हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कॉन्स्टेबल 2019 से रिलेटेड आज हम लोग सिलेबस की बात करने वाले हैं। देखिए, अभी ऑफिशियल वैकेंसी इस महीने के लास्ट तक आने की संभावना है, और जब ऑफिशियल वैकेंसी आता है तो उसी के साथ सिलेबस भी आता है, क्योंकि पिछले बार का सिलेबस बदलने वाला है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, पिछले बार की दो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना था और उसमें से 25-25 क्वेश्चन आता, और फिर 50 जो क्वेश्चन आता वो सब सब्जेक्ट मिलाकर आता, तो वैसे ही ये बदलने वाला है। सिलेबस क्या इस बार आने वाला है कि 100 क्वेश्चन आएगा और 2 घंटे का समय मिलेगा, और जो पिछले बार जो 2018 का वैकेंसी क्लियर हुआ था उससे पहले जो सिलेबस होता था वही सिलेबस रहने वाला है, ठीक, जिसमें आपका भूगोल, इतिहास, संविधान से आपको कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा, अर्थशास्त्र और करेंट अफेयर, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा यही 5 पोर्शन से, और फिर उसके बाद जो सेकेंड स्थान पर आएगा वो विज्ञान से क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। इस दोनों पोर्शन को अगर तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं, बाकी और भी आपका कमजोर है साथ में हिंदी का, तो आप आसानी से एग्जाम को निकाल सकते हैं, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, इन्वायरमेंट से भी 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक, 4 से 5 क्वेश्चन एनवायरमेंट से रहते हैं, और हर एग्जाम में बिहार के हर एग्जाम में एनवायरमेंट से क्वेश्चन रहता है। फिर आता है सामान्य हिंदी, जो हाई स्कूल स्टैंडर्ड का रहता है सामान्य हिंदी, और ये जो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे हिंदी वर्णमाला होता है, विराम चिन्ह, शब्द रूप, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ क्रिया, संधि समास, संधि विच्छेद भी आता है इसमें, विलोम शब्द, अनकार्थी शब्द, प्रवाची शब्द, मुहावरे, लोकीतिया, तदभुम तत्सव बताया जाता है, देशद विदेशद, हिंदी भाषा के प्रयोग से होने वाले शुद्ध या वर्तनी, ये सारे सिलेबस मैं खुद ही कराऊंगा। हिंदी ये सारे जितना मैं सिलेबस बता रहा हूँ मैं खुद आपको कराऊंगा, ठीक, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। बाकी लास्ट में जो आते हैं 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आते हैं, ठीक, और फिर रीजनिंग भी उसमें कुछ इंक्लूड रहते हैं। ये आपके सिलेबस रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि पिछले बार जो सिलेबस था और कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो 100 क्वेश्चन रहते हैं, और 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, इसी में आपको सॉल्व करना रहेगा। पहले तो क्या था, 2018 में जो एग्जाम रद्द हुआ था उसमें 2 ऑप्शनल चूज करना था, जिसमें से 25-25 क्वेश्चन आता, एक ऑप्शनल से 25, एक ऑप्शनल से 25, ठीक, तो ये 50 क्वेश्चन आता, और साथ में 50 क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आता, सब उसमें करेंट अफेयर और सब सब्जेक्ट रहता, ठीक। लेकिन इस बार क्या है, सब क्वेश्चन मिक्स कर आएगा, बाकी सब्जेक्ट वाइज रहेगा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 5-6 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 5-6 क्वेश्चन इतिहास से, कम बेसी रहेगा। लेकिन पिछले बार का सिलेबस जो बदला था उसमें ऑप्शनल जोड़ दिया था, ठीक, तो इस बार बहुत सी चीज़ बदलाव किया गया, जैसे लड़कियों को फिजिकल में भी 1 मिनट समय कम कर दिया गया है, तो सिलेबस भी चेंज करेगा, ठीक। यही था आपको बताना, बहुत लोग पूछ रहे थे सर बताइए कितने क्वेश्चन आता है, कितने घंटे मिलता है, तो ये सबसे ज़्यादा आपको अगर तैयारी करनी है तो यही पोर्शन से तैयारी करनी है, और साथ में विज्ञान से, जो कि मैं आपको सेट में तैयारी करा रहा हूँ, ठीक, बहुत जल्दी कंटिन्यू हो जाऊँगा और आपको डेली सेट आएगा और उसमें आप अच्छे से इस सब तैयारी कर लेंगे, ठीक। यही था सिलेबस। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो कि बिहार पुलिस के कॉन्स्टेबल में ये क्वेश्चन आया था, ठीक, कि नवजात शिशु के शरीर में कितने हड्डी होते हैं, ये आपको बताना है कि नवजात जो शिशु होता है जब जन्मता है कितने हड्डी होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं हम लोग तो कितने हड्डी हो जाता है, ये दोनों आपको बताना है, ठीक। दोनों ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, तो नवजात में कितने होते हैं इसके आंसर लिखकर, और नीचे आप लिख सकते हैं कि बड़े में कितने होते हैं, ठीक, और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सभी लोगों को ये काम करना है, ज़रूर बताना है, और अगर मन में कोई डाउट है एज से रिलेटेड कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक, हाइट से रिलेटेड, एज से रिलेटेड। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।